So assalamu alaikum everyone and welcome back again to another video on the channel and this is your boy gaming portal back with another video and this time around aap logon ke liye hamare paas fir se ek interesting topic rehne wala hai so straight forward chalte hain video ki taraf hi and video jo yahan pe hamari rehne wali hai actually this is about two of the best teams in Pakistan jinka naam hi sirf kafi hoga aapko batane ke liye agar aap ko obviously jo competitive ka kuch acche tarike se knowledge hai so the teams jinke main baat kar raha hu straight even ki baat kare to first one is actually team quality and the other one is Team IIT Sports and what just happened was that कि हमारे पास होता कुछ ऐसा है कि Ravaged Invitational League चल रही थी जो कि मैं खुद ही कास्ट कर रहा था on the channel of MS Psycho Gaming और इसका मैं कोशिश करूंगा कि लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में लाजमी एडअप कर दूं ताकि आप लोग ये जो भी नेक्स्ट वीकेंड आने वाला है अभी जो कल से स्टार्ट होने वाला है आप लोग उसके लिए भी लाइव लाजमी में ज्वाइन कर लो सो इसके हम लोग थोड़ा सा जो है बात करते हैं वीकेंड वन की वीकेंड वन का जो आखिरी दिन था हमारा उस पर क्या हो जाता है सो वीकेंड वन पे हमारा मैच होता है सैनो का मैच जिसमें हमें पता है कि बूट कैंप जब नॉर्मली आपको कुछ क्लैशेस देखने को मिलते होते हैं टीम्स के जो क्लैशेस हो जाते हैं इसके अलावा पैराडाइज पर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको फाइट्स देखने को मिलती है यहाँ पे अगर कोई तीसरा स्पॉट रहता होता है सैनोक में तो डेफिनेटली वो पाइनान हो जाता है जहां पे कुछ ना कुछ फाइट बन जाती है जो कि क्लैरिटी का स्पॉट है नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ इसमें क्लैरिटी खेल नहीं रही थी तो यहाँ पे क्लैरिटी का स्पॉट ऑब्वियसली वो बात आती नहीं है लेकिन यार इस मैच में जो जो टीम्स प्ले करी थी उनकी बात करते थे इस मैच में टीम क्वालिटी प्ले करी थी टीम आई8 प्ले करी थी इनके साथ और भी टीम्स प्ले करी थी लेकिन आई8 और टीम क्वालिटी जो कि प्ले करी थी होता कुछ ऐसा है कि क्वालिटी का तो ड्रॉप स्पॉट पता है हमें सबको पता है कि इवन जब हम लोग कास्टिंग कर रहे हैं तो हमें पता है इस चीज का कि क्वालिटी का जो ड्रॉप स्पॉट है वो रहने वाला है बूट कैंप लेकिन जो आई8 है उनका इनफैक्ट ये ड्रॉप स्पॉट नहीं था टीम आई8 हमें जो बूट कैंप पर उतरते हुए नहीं दिखाई देती लेकिन अनफॉर्चुनेटली व्हाट जस्ट हैपेंड वाज द फैक्ट दैट कि आई8 ईस्पोर्ट्स का स्क्वाड भी जैसे ही हमें हमारा जो सर्कल है बनता हुआ दिखाई देता है हमें हमारा जो प्लेन पाथ है वो आगे हमें जहां पर कंप्लीट होता हुआ दिखाई देता है तो देन जाके पता चलता है कि किल फील्ड में अर्ली फाइट स्टार्ट हो चुकी है किल फील्ड में यहां पर उतरते साथ ही कुछ दो टीम फाइट करने के लिए जा चुकी हैं एंड वन ऑफ देम जिनका प्लेयर मारा गया वो निकल आती है टीम आईटी स्पोर्ट्स और जिन्होंने किल किया उनका निकलता है प्लेयर टीम वो निकल आता है प्लेयर टीम क्वालिटी का सो अगली सिचुएशन क्या यहां पे रहती है उसकी हम लोग वो आपको मैं दिखाता हूं यहां पे सो ये आप लोग देख सकते हो कि टीम क्वालिटी के पास चारों प्लेयर्स यहां पे मौजूद हैं एक किल ऑलरेडी टीम निकाल चुकी है खान वो प्लेयर है जिन्होंने वो किल निकाला था और अगर आईटी स्पोर्ट्स के आप क्रिप्टो को जो है वो अर्ली स्टेज ऑफ द गेम अर्ली स्टेज ऑफ द फाइट आप जब मैच से एलिमिनेट कर जाते हो तो यकीनन आपको इस चीज का पता चल जाता है कि आप जब टीम आईटी स्पोर्ट्स को काफी तक डैमेज दे चुके हो तो यही चीज यहाँ पे हुई कि टीम क्वालिटी जो हमें एडवांटेज पर दिखाई दी एंड टीम आईटी स्पोर्ट्स का स्क्वाड जैसे क्रिप्टो जाते हैं मैच से लुक लाइक वो यहाँ पर जब डिसएडवांटेज पे जा चुके हैं बट मूविंग ऑनवर्ड दो कुछ फॉर्मेशन भी जरूर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे बूट कैंप पर ये जो फॉर्मेशन थी वो कुछ इस तरह से यहाँ पर जब बनी हुई थी इनफैक्ट क्वालिटी का स्क्वाड जिस तरह से उन्होंने फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट कर दी थी पता चल रहा था कि क्वालिटी के स्क्वाड ने घेरा तंग करना स्टार्ट किया ग्रेविटी जो कि बिल्कुल यहाँ पर हमें एक ऑपोजिट साइड पे रहते हुए दिखाई दे रहे थे वो इनफैक्ट जिस जगह पे मौजूद थे और उस जगह का भी लग रहा था कि वो वहां पे क्यों मौजूद हैं बिकॉज उन्होंने वहां से जो एक ऐसा एंगल लेना था कि अगर टीम आईट का स्क्वाड वुल्वरी की तरफ देखता है एनाकोंडा की तरफ फाइट लेने के लिए आगे बढ़ता है तो देन जो है वो बैक साइड वो कर सकते हैं बैक साइड से आगे बढ़ के अपनी टीम के लिए कोई भी हमें जो आउटिंग निकालते हुए दिखाई दे सकते हैं नॉक की तरफ जाते हुए दिखाई दे सकते हैं सो ग्रेविटी ऑब्वियसली हमें पता लग रहा था उनके पास एक अच्छा एंगल रहने वाला नहीं लुक एट दैट कि ग्रेविटी बिल्कुल अकेले है टीम से और एनाकोंडा जो कि रहमान है खान उनकी बात की जाए वुल्वरी की बात की जाए तो ये तीनों प्लेयर्स आपको तकरीबन एक लाइन में देखने को मिल रहा है एनाकोंडा रहमान खान इनफैक्ट सब एक ही यहां पर लाइन में चल रहे हैं वुल्वरी की बात करें थोड़ा सा टीम से अलग थे लेकिन फाइनली ये भी टीम के साथ ज्वाइन हमें करते हुए दिखाई दे जाते हैं जो कि डेफिनेटली कोई ना कोई कॉल आउट आया होगा लेकिन दूसरे एंड पर अगर आप आईट की बात करें तो लुक एट आईट आईट उजम जो कि ऑब्वियसली उनके भी आइडल हैं खान के बिल्कुल ऑपोजिट है बिल्कुल ऑपोजिट जो उनका डिस्टेंस दरमियान में जरूर है लेकिन उजम भी टीम के लिए जब अकेले है लेकिन देन जाके जब आईट के लिए शबाब एंड ब्लेड दोनों इकट्ठे मेन कंपाउंड के अंदर मौजूद है तो यस दिस इज द फॉर्मेशन टीम आईट जो 3 मैन है टीम क्वालिटी 4 मैन अप रहने वाली है क्वालिटी की ग्रेविटी एक ऐसे एंगल पे जिसका आई थिंक टीम सॉल्ट को नहीं पता है एंड क्वालिटी की बात की जाए तो उनके तीन प्लेयर्स एक एक लाइन में रहते हुए दिखाई दे जाते हैं ऑन द साइड टीम सॉल्ट एक साइड 2-1 का जो उनका स्प्लिट है वो हमें देखने को मिल जाता है एंड मूविंग ऑनवर्ड दो लुक एट शबाब शबाब जो जैसे से हमें जो टाइम गुजरता हुआ दिखाई देता है थोड़ा सा आगे जाते हुए दिखाई दे जाते हैं मेन कंपाउंड का जो एक आप कह सकते हो कि नीचे का जो एक काइंड ऑफ वेयर हाउस रहता है इसका जो नीचे वाला गैराज टाइप एरिया रहता है देन ब्लीड्स मेन कंपाउंड मेन बिल्डिंग पर हमें रहते हुए दिखाई दे जाते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते कुछ यहाँ पर तब्दीलियां जरूर होती है लेकिन ग्रेविटी वॉज दट मैन एक्चुअली जिन्होंने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी थी ग्रेविटी स्टिल वहीं के वहीं मौजूद थे और उम्मीदें यही की जा रही थी कि ग्रेविटी जब तक वहां पे मौजूद है कुछ भी हो सकता है मामला खराब हो सकते हैं अच्छा उनके पास एंगल रहने वाला है इवन टीम सॉल्ट एक साइड टाइम टू टाइम ढूंढने की तरह यहाँ पे कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह से उनको प्लेयर मिल जाए बट प्लेयर खैर मिल नहीं पा रहा था एंड इवन यहाँ पर हमारा सर्कल भी हमें क्लोजअप होता हुआ दिखाई देने वाला था कुछ ही देर के अंदर बट दूसरे एंड पे मैच चलता रहा हमारा लेकिन यहाँ पर जब फाइनली फिर से हम वापस आते हैं एंड वी सॉ दैट अगेन फॉर्मेशन जो थी
थी वो ऑलमोस्ट टीम क्वेटी की साइड से देखें तो तकरीबन ज्यादा कुछ तब्दीली नहीं थी। मतलब अगर हम लोग फॉर्मेशन जो तीन प्लेयर्स का एक लाइन में रहना और ग्रेविटी का अलहदा रहना उसकी अगर बात करें तो ऑब्वियसली वो तकरीबन उसी तरह का था कि वुल्वरी थोड़ा सा टीम से अलहदा थे, खान एंड एनाकोंडा वो इकट्ठे थे एंड ग्रेविटी अभी भी जहां पे वो मौजूद थे वहीं पे वो रह रहे थे। एनीवन फॉर सॉल्टेक साइड शबाब रहे, हम लोग गोस की बात करें तो वो भी जहां पर मेन बिल्डिंग पे थे वहीं पर थे, लेकिन बस ब्लेड्स अब अपने आइडल की तरफ बैक साइड पे जब आ जाते हैं। लेकिन टाइम टू टाइम फॉर्मेशन थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंज करने की कोशिश करते रहे दोनों स्क्वाड, दोनों टीमों की तरफ से जब गलती मजीद करने का यहाँ पर जब कोई भी रिस्क नहीं लिया जा रहा था, दोनों टीमें चाह रही थी कि हम एक दूसरे को डाउन करें लेकिन किसी ना किसी को तो आखिरकार मैच से जब एलिमिनेट होना ही होना था। सो फाइनली जो है जाके मैच के 6.5 मिनट बाद आप कह सकते हो दोबारा फिर से जो हमें एक फाइट स्टार्ट होते हुए दिखाई देती है इन द कैलफील्ड एंड अगेन जो ये फाइट रहती है वो फिर से हमें टीम आई8 एंड क्वेटी के दरमियान होते हुए दिखाई दे जाती है। सो कैलफील्ड आप रीड कर ही सकते हो, ब्लेड वहां पे जो क्वेटी खान को नॉक कर जाते हैं, हालांकि ये दूसरे में हमारा जो नॉर्मल मैच था वो बाकी टीम हमें कैरी करते हुए दिखाई दे रही थी एंड हम इंतजार कर रहे थे कि किस तरह से हमारी जो फाइट है वो वहां पे रहने वाली है, बिकॉज बूट कैंप एक ऐसा एरिया रहता है जिसके ऊपर कब्जा करना या किसी भी अच्छी टीम की जब भी हमारे फाइट होती है तो यकीनन हम लोग जानना चाहते हैं कि अच्छी टीम जब फाइट करती है तो उनमें से कौन विन करेगा उस फाइट का। सो लुक एट दिस, एट दिस पॉइंट इन टाइम टफ का स्क्वाड भी आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा था, लग रहा था कि शायद टफ का स्क्वाड थर्ड पार्टी करके टीम सॉल्ट आईट को मैच से एलिमिनेट कर देगा, ग्रेविटी को नुकसान पहुंचा सकता है, मतलब दोनों टीमें जो वो यहाँ पे पिंच हो सकती है एंड एट दी एंड टफ का स्क्वाड शायद एडवांटेज कैरी कर सकता है, लेकिन टफ की टीम ज्यादा क्लोज आती नहीं बिकॉज सर्कल भी दूर जा रहा था, सर्कल में टीम को जाना था, सो ज्यादा कुछ नुकसान टीम इधर करने के लिए आई नहीं, लेकिन सर्कल के एज पे रहते हुए उन्होंने जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पर जो आई थिंक वेट जरूर किया तो स्क्वाड ने। लेकिन इस पॉइंट पर लुक एट दैट, ब्लेड ऑलरेडी नॉकआउट हो चुके हैं, शबाब की बात की जाए वो भी मेन बिल्डिंग पर रहने वाले, क्वेटी का स्क्वाड आपको एग्रेस करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जाके सारे प्लेयर्स इकट्ठे हो चुके हैं, ग्रेविटी अपनी पोजीशन से हट चुके हैं, एनाकोंडा भी आगे बढ़ चुके हैं, खान की बात की जाए वो आगे जा रहे हैं, वुल्वरी हमें बस यहाँ पर जब नजर नहीं आ रहे थे लेकिन ब्लेड को फिनिश करने के लिए प्लेयर्स आगे बढ़ रहे थे और देन बैक एंड से टीम हम लोग जब आइट की बात करें तो यहाँ से उजम भी आगे जाते हुए दिखाई दे रहे। सो दिस टाइम अराउंड सिचुएशन 2v4 की बन चुकी थी, शबाब अभी भी मेन बिल्डिंग के अंदर मौजूद अपनी हियरिंग नहीं देना चाह रहे थे, उजम उनको कुछ ना कुछ करना था वो हमें मूवमेंट देते हुए दिखाई दे रहे थे, क्वालिटी की साइड से रहमान फाइनली वो थोड़ा पीछे आते हैं, दोनों टीमों की तरफ से मूवमेंट जो हियरिंग है वो कुछ यहाँ पे सुनी जाती है, लेकिन देन जाके अगेन फिर से टीम क्वालिटी का स्क्वाड ही सिचुएशन पर एडवांटेज कैरी करता हुआ दिखाई दे जाता है, एनाकोंडा उजम को मैच से एलिमिनेट कर नॉकआउट करते हैं, देन जो किलर कंफर्म किया जाता है। लेकिन दिस वॉज द फाइट जो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि शुरुआत टीम क्वालिटी ने ऑब्वियसली की, क्वालिटी का स्क्वाड एडवांटेज देकर जाता है, लेकिन देन शबाब का मेन बिल्डिंग पे रहना, प्लेयर्स का वेट करना उनके लिए किसी हद तक एडवांटेज उनको देकर चला जाता है, नीड करते हैं वो ग्रेविटी को नॉक करते हैं और ये जो 1v1 था दैट वाज जस्ट वेरी गुड दो क्वेटी के खान को जब बड़ा नीटली इन्होंने यहाँ पे डाउन किया और शबाब की जो एक बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़ी खैर पॉजिटिव नजर आ रही थी। सो ये चीज देख के बहुत अच्छा लगा कि ग्रेविटी को जो है नॉक करने के बाद शबाब इतने कॉन्फिडेंट हो चुके थे कि ही न्यू दैट कि मैं ये भी जो है वहाँ पे फाइट ले सकता हूँ, लेकिन थर्ड पार्टी खैर बदकिस्मती से टीम टीजी ने कर दी वहाँ पे क्वेटी के ऊपर कि वुल्वरी जो कि बैक एंड पे थे जो जो टीम क्वेटी के लिए ऑब्वियसली इस सारी सिचुएशन के अंदर वाइटल रह सकते थे और सॉल्ट के साथ ये फाइट में जो टीम हमें विन करते हुए दिखाई दे सकती थी, उन्हीं के टीममेट वुल्वरी को बैकअप करके टीजी को रामा जो वहाँ पे किल फिट के अंदर नॉक करते हुए दिखाई दे जाते, थर्ड पार्टी हो जाती है, लेकिन स्टिल यहाँ पे सॉल्ट एक साइड शबाब खैर वो भी हमें अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे थे, थ्रोएबल्स उन्होंने यहाँ पर जरूर कुछ निकाले हुए थे, पहले नीड ऑलरेडी कर चुके थे फिर थ्रोएबल्स का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते, मजीद जहां की तरफ से मोलोटोव निकाला जाता है एंड लुक एट हिम आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं फाइनली विद दैट मोलोटोव, ये मोलोटोव आई डोंट नो इन्होंने कब फेंका, आई थिंक ये जब अंदर गए तब इन्होंने मोलोटोव थ्रो किया बिकॉज एट दिस पॉइंट टाइम लुक एट दैट ग्रेविटी खान एनाकोंडा तीनों पर्सन एक ही जगह पे मौजूद हैं एंड रिमेंबर दैट ग्रेविटी भी नॉकआउट है और एनाकोंडा आई थिंक वो यहाँ पर जो है वो बाकी हैं लेकिन खान शायद यहाँ पे नॉकआउट है, लेट्स सी यस खान नॉकड आउट है, ग्रेविटी नॉकआउट है लेकिन एनाकोंडा इज दैट गाय जो कि हील अप है जो कि वहाँ पर अपने कदमों पे है। लेकिन शबाब क्या करते हैं यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ जो करते हैं ये करते हैं थ्रोएबल निकालते हैं, आई थिंक जल्दी से आके थ्रोएबल ये जो कमरा था इस कमरे में इन्होंने फेंक दी थी, सो संभव हमें रियलाइज नहीं हुआ कि इन्होंने कब किया ये, लेकिन जैसे इनकी आग जाती है क्वालिटी का स्क्वाड इन नो टाइम उनको मौका नहीं मिलता वो कुछ कर पाए एंड आईट शबाब एट द एंड ऑफ दिस फाइट, शुरू जो टीम क्वालिटी ने की थी उस फाइट को स्टिल अपनी टीम के लिए विन करते हुए दिखाई दे जाते हैं एंड आई थिंक ये वो शबाब हमें जब इस फाइट के बाद हम कह सकते हैं कि देखने को मिले और ऐसा शबाब हमें देखने को मिला, ऐसे गोश हमें यहाँ पे देखने को मिले जो कि नॉर्मली हमें देखने को नहीं मिलता है और हम मोस्ट ऑफ द टाइम हालांकि देखते ही हैं कि शबाब जस्ट लाइक ए टीम आई8 में क्रिप्टो मौजूद रहते हैं, क्रिप्टो हालांकि हमें पता है कि वो
ऐसे प्लेयर बन चुके हैं जो कि एक फ्री मैन है, जब जब उनका दिल करता है वो आगे बढ़ के खेल रहे होते हैं और टीम के लिए हमेशा वो काइंड ऑफ हर ऑलमोस्ट एवर रोल पे प्ले करते हुए दिखाई दे जाते हैं। लेकिन अगर शबाब की बात करें तो शबाब बहुत देर हो चुकी थी, हम लोग काफी देर से वेट कर रहे थे कि शबाब कब फॉर्म में आएंगे, घोस्ट जो है वो बड़ी देर हो गई है, ये टीम के लिए कुछ परफॉर्मेंस दे नहीं पा रहे। तो आई थिंक फाइनली दिस वॉज वन ऑफ दोज परफॉर्मेंसेज जो कि अच्छा लगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कि शबाब जब अच्छा प्ले किए, अच्छा इन्होंने प्ले अच्छा खेला, अपनी जो है वो अपना इन्होंने जो एक्सपीरियंस है वो दिखाया और सिचुएशन को यहाँ पर होल्ड करके टीम के लिए फाइनली फाइटर्स को विन भी किया। तो आई थिंक दिस वाज जस्ट इंप्रेसिव और आयत शबाब फाइनली 1v3 ऑन क्वालिटी वो भी चीज यहां पे हो जाती है और फाइट भी टीम पे विन करके इस बूट कैंप के एरिया को एक मिनट अपने लिए क्लियर भी कर जाती है। अभी मजीद भी हम लोग जब इस तरह की फाइट्स को भी मजीद डिस्कस करेंगे, लेकिन ये अपने ही आप में आप कह सकते हो कि शबाब के ऊपर हमारा जो एक फर्स्ट सीरीज हमारी रहने वाली है, बिकॉज ज्यादा वीडियो में लंबी नहीं करना चाहूंगा और मैं यही चाहता हूं कि आप लोग को जो है वो एक्चुअली थोड़ा थोड़ा करके हम लोग जो डोज दें, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग चीजों के बारे में बात करें, लेकिन बात जब की जाए तो आपको भी मजा आए, आपका भी टाइम जो वर्थ वॉचिंग हो और हमारा भी टाइम वर्थ जो है वो गिविंग हो। सो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट पार्ट के साथ, वो भी शबाब के यहाँ पे जो है रहने वाला है एंड आई एम टारगेटिंग कि हम जो है वो अपना जो है वो यहाँ पर एक टारगेट ऐसा सेट करें कि डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ कॉन्टेंट में अपलोड करता रहूँ, तो उसमें आप लोगों की जो है वो सपोर्ट चाहिए गाइस अगेन। एंड आप लोगों ने क्या करना है, बस आप लोगों ने ये किया करना है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक लाजमी किया करना है, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो दोस्तों के साथ शेयर करवा के चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करवाना है और वीडियो को शेयर नहीं करते तो शेयर भी लाजमी कर दिया करो। और आई एम जस्ट थिंकिंग के होप्स हो कि हम लोग यहाँ पर जो डेली बेसिस पे जो वीडियोस आया करेंगे उन पे एटलीस्ट 500 एक दिन के अंदर लाइक्स कर लिया करेंगे। सो 500 लाइक्स हमारे हर दिन के अंदर एक दिन के अंदर हो जाया करेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मिल जाया करेगी या 24 घंटे बाद थोड़ा सा आपको वेट करके नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। सो ये एक टारगेट रहने वाला है, उम्मीद है आप लोग इस चीज को पूरा करोगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।